स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्पोर्ट्स तक की प्रीव्यू चैट में आपका स्वागत है। आज है मुकाबला पल्टन्स का और शेरों का। पल्टन कौन है? मुंबई इंडियंस और शेर पंजाब। मुंबई इस पर दे विल टेक ऑफेंस, रखेंगे। हम भी तो शेर है, नहीं घर पे तो शेर ही है। मुंबई के पल्टन है ना सर, पर घर पे तो शेर ही होते हैं ना। बिल्कुल शेर है, लेकिन उनका जो शेर है सबसे बड़ा बब्बर शेर वो क्या आज खेल रहे हैं? मतलब सबसे पहले तो उन्हीं की बात से शुरू करते हैं। जो रसेश ने वहां से रिपोर्ट भेजी है और कल जो रात की रिपोर्ट आई थी, ये लगता नहीं है कि उसके हिसाब से खेलेंगे। बिकॉज कल रात को जॉगिंग करते वक्त अचानक से उनको मसल पुल हुआ, थाई पकड़ी और फिर कहते वो आ रहे थे और गिर गए और फिर उनको बाहर लेकर जाया गया। थाई का मतलब क्रैम्प भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आज जो अपडेट आई है उसके मुताबिक वो शायद आज नहीं खेलेंगे, विच कुड बी प्रिकॉशनरी, क्योंकि अगर हैमस्ट्रिंग होती तो वो 2-3 हफ्ते बाहर होते, ग्रोइन होता तो भी बाहर होते। थाई पकड़ी है, जैसे मदन जी ने भी कल कहा था, कभी कभी वो गर्मी में रेस्ट ना प्रॉपर मिले, कम पानी पिया हो, इन चीज़ों से हो सकता है, जिसे क्रैम्प कहते हैं। सो होपफुली उतना ही हो, बट पंजाब विल टेक इट। पंजाब कहेगा यार रोहित शर्मा ना खेले, इससे बड़ी क्या बात होगी, क्योंकि रोहित के डबल रोल है। रोहित ने इस IPL में रन नहीं बनाए हैं, बट रोहित शर्मा कप्तान बहुत बड़े कप्तान है यार। जो मर्जी कह लीजिए आप, रोहित शर्मा की कप्तानी की जो एबिलिटी है वो बड़े कम कप्तानों में है। तो रविचंद्रन अश्विन बड़े खुश होंगे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को भी जीत चाहिए, और अगर पंजाब आज जीत जाता है तो पंजाब फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। लेकिन पंजाब को जीत के लिए सिर्फ दो ओपनर्स के सहारे नहीं जाना है ना, उनका मिडिल ऑर्डर भी तो एक कंसर्न है। मयंक अग्रवाल ने भी रन बनाए पिछले मैच, मतलब आप देखें एक आधे मैच में फेल हुए हैं। सो बेसिकली उनका 1-2-3 है, पर 1-2-3 में भी क्या हो रहा है कि राहुल कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, मयंक अग्रवाल भी बना रहे हैं, क्रिस गेल नहीं बना रहे। बट राशिका हो सकती है जो विकेट है ना वानखेड़े स्टेडियम की, ये क्रिस गेल की लाइकिंग की हो, मतलब अब उनको नया स्पेल खेलना होगा। जो मुंबई इंडियंस बैरन डॉफ डालेंगे या जोसेफ डालेंगे या बुमराह डालेंगे, अगर वो नया गेंद खेल लिया उन्होंने, फिर आप देख लीजिए ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये छोटा पड़ जाएगा ग्राउंड। और दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पंजाब को, डेविड मिलर का इस्तेमाल। डेविड मिलर को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो एक मैच हारे थे उसमें दोनों बैट्समैन बैटिंग करते रहे, राहुल और सरफराज, पर वो रन रेट से पीछे पड़ गए। इवन पिछले मैच में राहुल ने रन बनाए लेकिन राहुल भूल गए थे थोड़ी देर के लिए कि रन रेट क्या चल रहा है, बाद में आकर उन्होंने मैच जिताया। सो दिस इज वन एस्पेक्ट जहां पर पंजाब विल हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम किस तरह का पता नहीं, कभी कभी वहां पर 200 रन बन जाते हैं और 200 चेज हो जाते हैं। आपके हिसाब से वानखेड़े के हिसाब से कोई चेंज होना चाहिए पंजाब की टीम में? पंजाब मुझे लगता है कि चेंज शायद नहीं करेगा। पंजाब ने स्पिनर्स खिलाए थे ना तीनों, मुझे लगता है वहां पर भी खिलाएंगे, क्योंकि इस IPL में राशिका जो हम देख रहे हैं विकटे उस तरह की नहीं है जो पहले IPLs में होती थी। मतलब भाई गए और रन ही रन है। अब देखिए बॉल फंस रही है, चेन्नई में तो बिल्कुल रन नहीं बन रहे, वानखेड़े स्टेडियम में विकटे अच्छी होती हैं, बट मुझे लगता है कि पंजाब तीनों स्पिनर्स के साथ जाएगा, अश्विन दूसरे अश्विन और मुजीब, तीनों के साथ जाएगा, सैम करन और मोहम्मद शमी। तो वो 5 स्पेशलिस्ट खिला रहे हैं बॉलर्स और 5 स्पेशलिस्ट खिला रहे हैं बैट्समैन, नहीं 6 बैट्समैन होंगे ना, हाँ कुछ काउंटिंग कर, क्योंकि KL राहुल कीपिंग करते हैं, मयंक अग्रवाल 3 हो गए, सरफराज 4 हो गए और 5 हो गए आपके डेविड मिलर, पता कीजिए, बताओ भाई जल्दी बताओ, एक टीम का प्लेयर बताओ। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन सर आपने बोला कि KL राहुल फॉर्म में है, मयंक अग्रवाल फॉर्म में है, क्रिस गेल फॉर्म में नहीं है, बट वानखेड़े में मेजर कंसर्न आ सकते हैं, मेजर कंसर्न क्रिस गेल, बिकॉज जिस रेट पे बैटिंग करते हैं मयंक अग्रवाल, KL राहुल, सरफराज, वो उनको अलाउ करते हैं अपनी गेम नेचुरल से खेलने की। तो अगर क्रिस गेल ऊपर से आउट हो जाते हैं फिर वो प्रेशर इन पे आ जाता है। सो पंजाब वुड वॉन्ट कि यार आज क्रिस गेल की शाम हो, आज उनकी रात हो। अगेन क्रिस गेल क्या चाह रहे हैं या पंजाब क्या चाह रहे हैं, 35-40 बॉल कम से कम खेलने। क्रिस गेल अगर 35-40 बॉल खेलते हैं फिर आज गेंदे जाएंगी वहां पे, मरीन ड्राइव से उठा के लानी पड़ेगी, अगर बहुत दूर जाएंगी, बहुत दूर जाएंगी। अगर रोहित शर्मा बाय चांस नहीं खेलते हैं फिटनेस के चलते, युवराज सिंह की, युवराज टीम में वापस आएंगे, युवराज मतलब प्लेयर फॉर प्लेयर में युवराज आएंगे, बट मुझे लगता नहीं है कि वो कप्तानी युवराज से कराएंगे। कप्तान अब देखना होगा मुंबई इंडियंस को, क्योंकि हो सकता है कि एक मैच रोहित ना खेले, हो सकता है 2 मैच रोहित ना खेले, इससे बियॉन्ड तो नहीं लगता, बट आइडियली आप हमेशा कप्तान उसको बनाएंगे जिसको आप आने वाले वक्त के लिए ग्रूम भी कर रहे हो कप्तानी के लिए। तो जैसे रसेश ही बता रहे थे पोलार्ड हो सकते हैं कप्तान,
पोलार्ड को आप ग्रूम तो नहीं कर रहे हो, और पोलार्ड का पता नहीं कप्तानी का इतना तजुर्बा भी है कि नहीं है। उन्होंने कृणाल पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या की बात की, मेरा मानना है क्विंटन डी कॉक भी कप्तानी कर सकते हैं, क्विंटन डी कॉक भी कप्तानी कर सकते हैं। कॉफी कंट्रोवर्सी की बात, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या आमने सामने वैसे तो आ चुके हैं, लेकिन इसी ग्राउंड में उन्होंने लास्ट ईयर आपको अगर याद हो जर्सी को चेंज एक्सचेंज करने का जो ट्रेंड शुरू किया था, आज भी होगी, लेकिन जर्सी एक्सचेंज वो आज भी करेंगे, वो ड्रेसिंग रूम में करेंगे या ग्राउंड पर करेंगे ये नहीं पता। बट एक बात तो है कि जो मर्जी कह लीजिए आप एज अ क्रिकेट फैन, वो अच्छा है कि वो विवाद हो गया, बिकॉज उसके बाद से हार्दिक पांड्या ट्रैक पे आए हैं, इधर से केएल राहुल ट्रैक पर आए हैं। हार्दिक पांड्या ने उस दिन बोला ना कि मैंने लाइफ में ये जो 5-6 महीने देखी है, मतलब इससे बुरी लाइफ नहीं देखी। सिमिलरली केएल राहुल ने भी ये चीज कही है, लेकिन अगर फॉर्म देखे तो हार्दिक पांड्या कहीं फिर भी फॉर्म में थे, बट केएल राहुल का हार्दिक का भी बीच में ऑफ ऑन था, बट अब तो जिम्मेदारी दिख रही है। देखिए क्या होता है कि रन बनाना या विकेट लेना वो एक एस्पेक्ट होता है, एक होता है जिम्मेदारी, आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह देखते हैं, वो बहुत बड़ा चेंज केएल राहुल में आया है, हार्दिक पांड्या में आया। बिल्कुल, और एक इंसेंटिव है ना, वर्ल्ड कप की टीम भी चुनी जानी है तो दैट इज आल्सो एन इंसेंटिव, ये भी इंसेंटिव है। वर्ल्ड कप की टीम की बात की आपने, जसप्रीत बुमराह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह है जिससे डर रहा होगा पंजाब, जोसेफ से नहीं। देखो जोसेफ हर मैच में आके 6 विकेट नहीं लेंगे, ऑब्वियसली नया बॉल वो डालेंगे और वो है अच्छे तेज गेंदबाज है, बट हर मैच में 6 विकेट तो नहीं लेंगे, तो आई एम श्योर मतलब जोसेफ का तो इलाज निकल आएगा, बुमराह का इलाज थोड़ा ज्यादा मुश्किल। और सैम करन का इलाज, सैम करन निकालने वाले, सैम करन के पास देखिए क्या है, सैम करन के पास है कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज है सैम करन के पास कॉन्फिडेंस है। बॉल तो ठीक है वो डालते हैं, हालांकि शुरू के मैचों में तो ये लगा यार ये पता नहीं 4 ओवर डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, फिर उन्होंने हैट्रिक की, उसके बाद उनके खेल में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ही इज जेल्ड वेल विद द टीम, और जो प्लेयर जेल कर जाता है ना टीम के साथ, कप्तान पंजाब की टीम में क्या है, पंजाब की टीम इस बार आप देखिए एक दिख रही है, दे आर टुगेदर, खुश दिखते हैं, पिछले साल ये चीज नहीं थी, जब वो जीत रहे थे हारना शुरू हुआ तो बिखर गए, इसमें भी वो एक दो मैच हारे, सो हारने पे आपका टेस्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि पंजाब की टीम ना इस बार अच्छा, ये भी है दूसरा साल है ज्यादातर प्लेयर्स का, मनदीप सिंह का नाम भूल गए थे हम, जो एक पंजाब के प्लेयर मनदीप पाजी, सॉरी एम सिंह, तो ये है आप सर, लेकिन आपने जेल होने की बात की, मोहम्मद शमी पंजाब में अच्छे से जेल कर गए हैं। मोहम्मद शमी का इंटरव्यू भी आप सुनिए, तो उन्होंने बोला है, वो कहते हैं मैं मतलब इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ इस फ्रेंचाइजी में, मेरे पे प्रेशर ही नहीं है, बस मैं खेलने जाता हूँ और मैं उसके बाद आ जाता हूँ, कहते मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और एक आइडियल वहाँ पर एटमोसफियर है उस फ्रेंचाइजी में। तो मोहम्मद शमी भी देखिए वानखेड़े स्टेडियम में, मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस निकालवानी है प्लेयर्स से तो आपको बिल्कुल उनको चिल रखना है, दिमाग ठंडा रहने देना है। चेन्नई सुपर किंग्स, हाँ, प्रैक्टिस ही नहीं करते और जीत ही जाते हैं, तो कभी कभी जो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है ना, बाय द वे ये मुंबई इंडियंस भी ऐसा है जहाँ पर फ्रेंचाइजी बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखता है, एंड आई एम श्योर किंग्स इलेवन पंजाब भी ऐसा फ्रेंचाइजी है जो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखता है। प्रीति जिंटा का वैसे होम टाउन एक तरह से, पता नहीं आप होम टाउन तो नहीं बट मतलब हाँ मुंबई या पंजाब, मुंबई मुझे लगता है, पंजाब मुंबई की। एक और कंसर्न है, कई लोगों का सवाल है कि पोलार्ड का क्या रोल है, वो मतलब परफॉर्म एज कुछ इतना उन्होंने नहीं किया जितना वो कंसिस्टेंसी नहीं है, बट इस साल फिर भी वो कंपैरेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू पिछले 2-1 साल। कुछ जैसे रसेश ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, कप्तानी एक जिम्मेदारी उनको मिल जाए आज, हो भी सकता है, बट एक चीज़ तो है कि मुंबई इंडियंस की टीम को जब आप देखते हो कि यार हमने ऊपर से विकेटें ले ली और नीचे अभी पोलार्ड, कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करने आना है, सामने वाली टीम डरती है, खौफ तो रहता है, पोलार्ड करे ना करे, वो कहते हैं ना शेर आ गया, जब तक नहीं आया तो नहीं आया, किसी ना किसी दिन तो शेर आएगा ना, तो वो उसका डर रहता है। बिल्कुल, और जाते जाते अगर मैं आपसे पूछूं रोहित शर्मा आज खेलने चाहिए, मुझे नहीं खेलने नहीं चाहिए, और आप इतना ट्रैवल भी करते हो और आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आप किसी भी इंडियन फैन से पूछिए कोई भी नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा खेले आज, मुंबई इंडियंस के फैन भी नहीं चाहेंगे कि आज रोहित खेले, इनकेस उनको निगल भी है पूरी तरह फिट हो जाए,
क्योंकि आईपीएल का बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में भी आना है. ठीक है, ये मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, बट आप ये चाहेंगे कि रोहित उस वक्त के लिए ज़्यादा फिट रहे, वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा फिट रहेंगे. रोहित शर्मा की फॉर्म और फिटनेस पर कोई वो नहीं लगना चाहिए सर. लेकिन वर्ल्ड कप में जाने से पहले विराट कोहली को भी रेस्ट की जरूरत है, रोहित शर्मा की इंजरी हो गई है, शिखर धवन तो फॉर्म में नहीं है, बट नहीं बट इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. शिखर धवन बिल्कुल बिल्कुल है और थैंकफुली केएल राहुल रन बना रहे हैं, इसलिए आई थिंक जब जो मर्जी आप कह लीजिए कि आईपीएल के परफॉर्मेंसेज नहीं देखेंगे, बट जब आप सोमवार को वर्ल्ड कप के 15 चुनोगे तो आप केएल राहुल का ये हालिया फॉर्म देखोगे और आप ये भी देखेंगे कि शिखर धवन ऑब्वियसली आपके वो स्टार्टिंग 11 में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप एक बैकअप ओपनर लेके जाएंगे केएल राहुल. बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेलेक्टर आप आपका आज सेकंड एपिसोड. बिल्कुल, हमने कल आपसे वोट्स मांगे थे ओपनर्स पे, 5 विकल्प थे और 3 आपने चुनने थे. पता नहीं इस वक्त वोटिंग क्या चल रही है. बाय द वे, अगर अभी तक आपने वोटिंग नहीं किया है तो स्पोर्ट्स तक पे जाके कम्युनिटी पे जाना है, वहां पर आपको पोल दिख जाएगा. 1 वोट अलाउड है पर यूट्यूब अकाउंट, तो वोट वेस्ट नहीं कर रहा है. तो देखते आज हम आपको मिडिल ऑर्डर के विकल्प देंगे. देखते ना, घर में जितने भी फोन है सब में सबको सबस्क्राइब करना पड़ेगा, लेकिन सबको पहले फिर कमिटी में जाके अपने वोट डालिए जितना मर्जी अपने फेवरेट प्लेयर के लिए. सही बात है, और क्या ऐसे कोई इलेक्शनों में एक ही वोट डालना है. हाँ, जो जनरल इलेक्शन जो कल पहला राउंड वहां पे एक ही वोट डालना है. यहाँ पे आप बनाते रहो अकाउंट, वोट डालते रहो, सब्सक्राइब लेकिन जरूर आपको करना पड़ेगा. सब्सक्राइब कीजिए और ठीक 7 बजे स्पोर्ट्स तक के साथ जरूर जुड़िएगा प्रीव्यू चैट में. और थैंक यू.